स्टार्ट कर दें सर। स्टार्ट कर दीजिए। जितेंद्र प्लीज स्टार्ट। जितेंद्र प्लीज शुरू कर दीजिए। यस मैम। सर यू आर ऑन यूट्यूब प्लीज स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर दूं मैं? हाँ जी सर, बच्चे देख रहे हैं जी। रेस्पेक्टेड कमिश्नर महोदय तथा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के सहयोग से आज हम ये ज्ञानदूत कार्यक्रम में आपकी क्लास ले रहे हैं बच्चों। कोरोना फेज चल रही है तो गवर्नमेंट ने ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए ये सिस्टम रखा है, उम्मीद है आप इसका फायदा लेंगे। हम लोग 97 से कॉलेज शिक्षा में पढ़ा रहे हैं और उसी अनुभव के आधार पर ये सारे बनाए गए हैं। माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये वाला रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। इस तरह से बच्चों ये सिलेबस है आपका, जिसके अंदर आप ये सेकंड ईयर के अंदर सेकंड पेपर के रूप में इसको आप पढ़ रहे हैं। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो एमएससी के अंदर भी आपको सेमेस्टर थर्ड के अंदर पेपर 11th में इन डेप्थ ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। इसके आधार पर आप चाहे आरएस का एग्ज़ाम दें या सेकंड ग्रेड का दें या फर्स्ट ग्रेड टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी ये चीज़ आपके काम आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना फेज़ में हमने ये लेक्चर तैयार करा है, जिसको पुराने से कोरिलेट करा भी गया है, जो आपने 12th तक सिस्टम पढ़ा है और उसके बाद अभी जो क्लासेस में आप पढ़ेंगे उससे कोरिलेट करा गया है। और जो बच्चे इसी थर्ड सेम के हैं जो इसको देख रहे हैं उन भी ये बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, नेट स्लेट का एग्ज़ाम दें या आरएस का एग्ज़ाम दें, जहाँ जहाँ बॉटनी रहेगी चाहे वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के एग्जाम भी ये बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह से ये एमएससी के सिलेबस में जो आप जानते ही हैं। ये प्लांट की पूरी लीफ साइकिल होती है, तो मेन टॉपिक पे हम आ रहे हैं। इस तरह से प्लांट का ये फ्लावर पार्ट है जो कि आपने स्कूलिंग में भी पढ़े हैं। फिर इसके बाद इसमें ऐसे एंथर है, ये ऐसे गाइनोशियम है जो स्टिग्मा पोर्शन ये कहलाता है, ये स्टाइल कहलाता है और ये वाला ओवरी कहलाता है जो कि अभी आगे आएगा। और इसमें जब हम देखेंगे तो ये वाली संरचनाएं देखेंगी, इसी के अंदर वेरिएशन हम देख रहे हैं। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने पहले पढ़ा है कि वेजिटेटिव फेज में रूट्स एब्जॉर्ब करती है, लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी और देन ये रिप्रोडक्टिव फेज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस वाली में ये सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। ये ऐसे फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये स्टिग्मा बता रहे हैं हम, ये स्टाइल है और ये पोर्शन ओवेरी का है जिसमें ये ओव्यूल स्थित है। जब आपने टीएस काटा होगा इस ओवेरी का तो प्लेसेंटेशन में इसके अरेंजमेंट का भी आपने अध्ययन स्कूलिंग में करा हुआ है। इस तरह से ये फ्लावर का वापस पोर्शन हम बता रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो बता रहे हैं हम ये इसका हम यहाँ पर करेंगे। इस प्रक्रिया में ये रहेगा जैसे जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब बनती है, इस तरह से इस मार्ग से होके जाती है और देन फिर आगे का प्रोसीजर होगा जिसमें वो एग सेल से फ्यूजन करेगी। तो इस स्थितियों को रहे हैं कि इनमें क्या क्या वेरिएशन इसमें आएगा। फेज में और डायग्राम आप देख सकते हैं कि कैसे ये पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होते हैं, फिर यहाँ इसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन वगैरह
होगा और फाइनली जब ये सारी प्रक्रियाएं होगी तो एक 2N स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आगे चलकर जाइगोट का निर्माण करता है और एक 3N स्ट्रक्चर बनेगा जो कि एंडोस्पर्म कहलाता है और बाद में सीड जर्मिनेट होगा। तो इस तरह से ये अपने इस टॉपिक की ये स्थितियाँ रहती है जो कि जब आप प्रैक्टिकल कराते हैं तो रेफेनस सेटाइवा यानी कि जो उसको मोगरी या सोगरी भी हम लोग कहते हैं जो मूली का फल होता है तो उसमें अलग अलग स्टेज पे हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की स्टेज करते हैं तो लिक्विड जो एंडोस्पर्म होता है उसको वह एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करता है और बाद में फाइनली एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो लिक्विड एंडोस्पर्म काफ़ी कम मात्रा में देखा जाता है। तो ये रजाकाइड काफ़ी कम मात्रा में, तो इस तरह से इसको प्रैक्टिकल में हम करते हैं। ये वाली सारी इसकी टाइप्स की स्लाइड है जो आप अभी डिटेल में और भी हम लेंगे। इस तरह से ये मोनोस्पोरिक बाईस्पोरिक कैसे हैं ये अभी हम समझाएंगे और ये फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा इसमें जिसमें एक चैलेजल एंड है जिस पर 3 सेल्स रहेंगी जो कि एंटीपोडल्स कहलाती है। दूसरे एंड जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर भी 3 सेल्स रहेंगी, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, और सेंटर में 2 जो है पोलर सेल्स वह फ्यूज हो जाती हैं। इस तरह से 8N ये स्ट्रक्चर है 3+3+2 जो कि अधिकांश प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और इसके हम LS के भी ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसका एनाट्रोस ओव्यूल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जो यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम। ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है इस तरह से, और ये जो पोर्शन है ये न्यूसेलस है, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये सेंट्रल सेल कहलाती है, ये एम्ब्रियो सेक कहलाता है और ये वाली इससे ये एक सेक कहलाती है। एंड जो माइक्रोपाइलर है और ये वाला चैलेजल है, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। इसके डिफरेंस की वजह से ही ये अलग अलग इनको नाम दिया गया है। तरह से ये मेन स्ट्रक्चर है मैच्योर एम्ब्रियो सेक का और ये ऐसे ओव्यूल की टाइप जो अभी हम लेंगे वह इस तरह से ओव्यूल अलग अलग नाम से रखें, ओटोट्रोपस एनाट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस ये है। इस डायग्राम में भी ये क्लियर आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से ये टाइप ऑफ ओव्यूल है। इस पर बच्चों कई बार शॉर्ट नोट भी आता है और कई टिपिकल कैरेक्टर्स की वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ भी इसका आएगा। कई बार आजकल ये भी एक पैटर्न है, चाहे आप RS के पेपर देखें या रिटर्न एग्जाम जहाँ पर मेंस RS मेंस की कहा है मैंने, जब रिटर्न एग्जाम देखें तो इसके डायग्राम पर भी आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं कि ओव्यूल्स का आप डायग्राम बनाएं, टाइप ऑफ ओव्यूल पर लिखिए। तो उस जगह अगर आपके कंसेप्ट ये क्लियर रहेंगे कि इस तरह के ओव्यूल को क्या कहेंगे, इस वाली फॉर्म में अगर है तो क्या कहेंगे, होर्सशू शेप में क्या नाम रहेगा, तो आपको और ज़्यादा एग्जाम में पे करेगा और नंबर अच्छे आएंगे। ये इस तरह से हमने बताया कि कैसे डेवलपमेंट होता है और फाइनली ये स्ट्रक्चर बन रहा है जो अभी पहले बताया था आपको, माइक्रोपाइलर एंड। इस पर ये 3 सेल स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में 2 सेल स्ट्रक्चर है, ये कलरफुल डायग्राम बच्चों, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रही हैं, ये एंटीपोडल्स ये इस एंड पर, ये दोनों अपोजिट एंड पर रहेंगे ध्यान रखें। ये इस तरह का स्थितियाँ इसकी है, ये वाला डायग्राम इसमें आ गया जिससे आपके और ज़्यादा समझ में ये आ सकता है। इस तरह से ये पूरा कि जैसे मोनोस्पोरिक को हम देखें पॉलीगोनम टाइम में टाइप में तो ये होगी स्टेज, देन फिर ये डिवीज़न हुआ हो जाएंगी ये बच्ची, इससे आगे फिर 2 डिवीज़न हुए, दोनों अलग अलग पोल्स पे गई, फिर 1 सेल से 2-2 सेल्स बनी, फिर 2 से 4 बनी और 4 से 8 हो गई, 8 में से 3 इधर अरेंज हो गई, सेंटर में फ्यूज है और 3 ये, ऐसे टोटल 8 स्ट्रक्चर वाला जो है मोनोस्पोरिक स्थिति पॉली टाइप का अगर आप, तो ये दर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। बाकी इसके ये वेरिएशन है, इसके ये वेरिएशन है जो आपको यहाँ डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है कि ये 8 स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 4 ही, यहाँ पर 4 ही है, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि इसमें ये स्टेज मिसिंग है। इस वाले के अंदर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है जो कि बाईस्पोरिक है। बाईस्पोरिक इस सेंस में कहेंगे बच्चों यहाँ तो एक से ही सारे डेवलप हुए हैं, यहाँ दोनों ने इस डेवलपमेंट में भाग लिया है। टेट्रास्पोरिक में जो 4 हैं, चारों की वजह से डेवलपमेंट होने की वजह से इस टाइप के एम्ब्रियो सेक को हम टेट्रास्पोरिक कैटेगरी में इनको रखा गया है। अभी आगे और भी ये आएगा इसमें आपके और ज़्यादा समझ आएगा। अगर हम रिटर्न पोर्शन के हिसाब से लें तो वह इस तरह से है
ओविल एज ए डेवलपमेंट ओविल्स एज डेवलपमेंटल प्रोसेस predecessor of the seeds are important or in flowering plants. Their evolution can be traced back to the most primitive seed plants. In angiosperm, ovules have diversified in relation to their location in the ovule. Number, thickness and integuments, new cellular thickening, directional degree of curvature and histological differences. Even though ovules have their specific development process, certain structural features of ovule, for instance, symmetry and curving are influenced by their position in the ovary. Angiospermic ovules fundamentally comprises of the nucellus enclosed by the two integuments. They may be sessile or attached to the placenta by a stalk called the funiculus. Usually, vascular bundles runs from the placenta through the funiculus to the chalaza, right beneath the base of the nucellus, where the integuments to set out. Two synergids and three making egg apparatus, a central cell with one nuclei and three antipodals. The micropyre, a narrow passage through which the pollen tube reaches the nucellus, is formed by the inner and both integuments, growing through the micropyre, enter through the nucellus, and the embryos into one of the synergids. Pollen tube carries two male gametes, one fertilized with one another and make zygote. And the other fuses with the nucleus, and this is called the double fertilization. So, ये जो double fertilization जो character है, इसकी वजह से triploid बनता है. जब आपने पहले gymnosperm का पढ़ा होगा, तो वहाँ haploid रहता है. So, basically evolutionary ये difference भी आप कोर कर सकते हैं. Which then grows into the endosperm. Which then grows into the endosperm. The classical embryo, seven cells, the central comprises, central cell incorporates two nuclei, which fuses into the diploid nucleus. And the endosperm was triploid. It is the most common type of embryo sac in the embryo, called the polygonum type. इस तरह से type of ovule जो हमने अभी बताए थे, ये वाले, तो इसके नाम रहेंगे. और अगर हम लेते हैं डेवलपमेंट, तो एज डिस्क्राइब ओव्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी वॉल. दे आर डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स टू प्रोड्यूस द मेगास्पोरोसाइट एंड आर ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस. एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इटसेल्फ. ओव्यूल डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद of the ovule primordia. New cell is developed from its apical part and functions as the megasporid. Soon after ovule origination, a single subdermal nuclear cell presents below apex of the nucellus, expands and exhibits a conspicuous large nucleus. This cell functions as the archisporium, which may act directly as the megasporocyte. इस तरह से बच्चों इसको देख सकते हैं कि पॉलीगोनम टाइप में कैसे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है. ओव्यूल शॉर्टली आफ्टर इनिशिएशन शोइंग ए सिंगल मेगास्पोरोसाइट, देन ओव्यूल आफ्टर बोथ इंटेग्यूमेंट्स हैव बीन इनिशिएटेड, मेगास्पोरोसाइट हैज अंडरगोन मियोसिस फर्स्ट, देन द एक्सिस ऑफ द न्यूसेलस इज ट्रांजिएंटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द फ्यूनिकुलस, देन इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट. ओव्यूल आफ्टर मियोसिस द फंक्शनल मेगास्पोर gelagel end has expanded and the non-functional megaspore are degenerated. इस तरह से इसका development होता है. अगर हम इसको detail में लें तो इसको हम megasporogenesis के हिसाब से कहेंगे, जिसमें ये सारी stages हमने बताए कि undergoing mitotic division, nuclear migration, cytokinesis during mega gametogenesis and produce the embryo sac. Pattern of embryo sac development differ significantly among the plant species, jaisa ki humne shuru ki summary diagram mein hi bataya tha. First, there are many differences in the megasporogenesis itself. Lekin ye jo hai, 70% of plant species jo hai wo polygonum type of embryo sac development hi show karti hai. In this pattern, embryo sac develop from the chalazal local functional megaspore. During meiosis, first megasporogenesis, orientation of spindle is parallel to the micropylar or chalazal axis of the nucellus.
The cell wall forms at right angle to the axis. After meiosis second division, another transfer wall is formed, bring about linearly arranged four megaspore. The megaspore adjoining the chalaza remain functional. The remaining three megaspore degenerates and are ultimately crushed by the growing functional megaspore. Callos is believed to play an important role in the selection of the functional megaspore. After megasporogenesis, callos is found in the wall of the non-functional megaspore, while the functional megaspore contain no callos and very less amount of the callos in its wall. Selected deposition of callos perhaps makes sure that only the functional megaspore gets nutrients from the new cells. इस तरह से ये है. और अगर हम इसकी टाइप्स से लें तो टाइप के आधार पे हमने मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सेक बताए गए. जैसे मोनोस्पोरिक में है पॉलीगोनम टाइप. इट इज कॉमनली फाउंड इन द प्लांट, हाउएवर इट वाज द फर्स्ट क्लियरली इन द पॉलीगोनम. देन इसी तरह से ओइनोथेरा है. ओइनोथेरा टाइप के अंदर जैसा कि हमने पहले डायग्राम में बताया था, द डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक व फंक्शनल मेगास्पोर इज लोकेटेड टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड. इसमें माइक्रोपाइलर एंड पर फंक्शनल है, उधर चैलेजल एंड वाला फंक्शनल है पॉलीगोना में. बेसिक डिफरेंस ये. बाईस्पोरिक, बाई का मतलब जैसा कि आपको पता है कि लैटिन लैंग्वेज से बाई का मतलब दो होता है, या दो स्पोर एक्टिव है, इस वजह से ये नाम आया है इनिशियली. ये एलियम टाइप भी कहा गया है क्योंकि ये एलियम में देखा गया है. इसी तरह से टेट्रास्पोरिक टाइप है. इन ए नंबर ऑफ केसेस साइटोकाइनेसिस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन आर नॉट एकम्पनीड by the wall formation. Therefore, the normal distinct megaspore are not produced. All four haploid spores are involved in the development of embryo sac. Subsequent embryo sac may be 18 or 16 nucleate. इसके अंदर जब division अगर 4 के बाद 4 से, जैसा कि पता है आपको 8 बनेंगे और 8 से 16 तक nucleus बन जाएंगे, ये तो वो वाली stage है. तो plumbago के अंदर 8 nucleus stage है. और इसी तरह से ये इसको हमने टेबल में बताया गया. फिटिलेरिया के अंदर 8 न्यूक्लियट है. ईयर 3 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द चैलेंजर एंड, व्हाइल द 1 न्यूक्लियस लाइज एट द माइक्रोपाइलर एंड. द माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस डिवाइड एंड 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म. द चैलेंजर न्यूक्लियाई फ्यूज एंड रिजल्टिंग इन द न्यूक्लियस डिवाइड 1 टू फॉर्म 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई. एट दिस टाइम द एम्ब्रियो सेक एनकंपासेस 4 न्यूक्लियाई, 2 हैप्लोइड माइक्रोपाइलर एंड 2 ट्रिप्लोइड एट द चैलेंजर न्यूक्लियाई. इसी तरह से प्लम्बेजला टाइप में 4 न्यूक्लियट हिस्टेस है. इन दिस द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द फिटिलेरिया टाइप यहाँ पर देखी गई है. 1 माइक्रोपाइलर और प्लस 3 जो है चैलेंजर रीअरेंजमेंट में देखे जा सकते हैं. इसी तरह से पीनिया टाइप में 16 न्यूक्लियर स्टेज देखी गई है. इन दिस केस 16 न्यूक्लियाई आर अरेंज इन द 4 ग्रुप्स. ये 4 ग्रुप्स में, जबकि आप ड्रूसा के अंदर देखेंगे, ड्रूसा टाइप में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर 1 न्यूक्लियस माइग्रेट्स टुवर्ड द माइक्रोपाइलर, वाइल द अदर रिमेनिंग 3 माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड द चैलेंजर एंड. इस तरह से ये स्थितियां है. और एडोक्सा के अंदर हम देखें तो 8 न्यूक्लियस है, जो कि 8 न्यूक्लियाई फॉर्म. दीज न्यूक्लियाई गेट अरेंज इन द नॉर्मल पॉलीगोनन टाइप. और टेप्रोमिया टाइप में देखें तो 16 न्यूक्लियर स्टेज है. इन दिस स्टेज ईच ऑफ द 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस, 16 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. दे बिकम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सेक. द 2 न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी एंड फॉर्म्स एन एग एंड सिनर्जिस्ट. 8 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. द रिमेनिंग न्यूक्लियाई स्टे इन द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सेक. It is clear from the above mentioned details of the development of various type of embryo sac that there may be a great difference in the final appearance of the female gametophyte. The egg apparatus may contain only one synergids. The fusion nucleus may involve only one or more than 2 polar nuclei. The number of antipodals may differ from none in Oinothera type were numerous in the like Peperomia, Penia and Drusa type. ये इस तरह से डायग्राम में आपके यहाँ और ज़्यादा ये क्लियर है. बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों. और इस पर प्रोफेसर पी माहेश्वरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का उनका काफ़ी वर्ल्ड लेवल का वर्क रहा है. और उनकी बुक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, वो
वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज शुरुआती बुक्स में इंडियन बुक्स मानी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उस टेबल से पूरा क्लियर आपको हो जाएगा कि इस टाइप में क्या है, यहाँ पर क्या है, और ये फाइनल अरेंजमेंट इससे है। अगर इस टेबल को ही अगर आप याद रख लेंगे तो आपके बीएससीज और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो से का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं उसी से, तो एक सेल बनी, सिनर्जिट्स रहे और सेंट्रल सेल्स उसमें ऐसे अरेंजमेंट में रहेंगी। ये एंटीपोडल्स हैं जो कि हमने बताया, इस तरह का यह है। द ओरिएंटेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक विद रेस्पेक्ट टू द माइक्रोपाइलेक्सिस ऑफ द ओविल इज इंडिकेटेड बाय द वर्टिकल रोज इंक्लूडिंग द एग सेल एंड सिनर्जिट्स इज लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एंड वेयर द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक द सेंट्रल सेल्स कम ऑन थ्री एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड एट द चैलेंजर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इसको बच्चों अगर हिंदी में हैं तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, तो कई टर्म जो है आपके आसानी हो जाएगी। जैसे एम्ब्रियो सैक को हम भ्रूण कोश कहते हैं, और इसको मोनोस्पोरिक को आपने जो अभी कई बार कन्फ्यूज हो जाता है तो एक बीजाणु कहेंगे, इसको द्विबीजाणु और टेट्रा को चतुष्क बीजाणु रहेंगे। लेकिन कोशिश करें आप टेक्निकल टर्म इंग्लिश का भी ध्यान रखें। तो ऐसे वही चीज़ है यहाँ पर, ये मोनोस्पोरिक को एक बीजाणु भ्रूण कोश कहा गया है, और ये इसकी टाइप्स आ गई पॉलीगोनम टाइप, ओइनोथेरा टाइप। इसी तरह से बाइस्पोरिक को द्विबीजाणु कोश बीजाणुज भ्रूण कोश कहा गया है, और इसमें एलियम टाइप और एंडियमियन टाइप है। इसी तरह से टेट्रा स्पोरिक को चतुष्कीय बीजाणुज कहा गया है, और इसकी ये अलग अलग टाइप्स जो कि अभी हमने आपको समझाई है, पेप्रोमिया, पियोनिया, ड्रूसा टाइप, प्लम्बेगो, एडोक्सा टाइप, प्लम्बेजेला और फिटिलेरिया। ये जो फर्स्ट है जो जनरली वो प्लांट है जिसमें ये शुरुआत में देखे गए हैं। तो इस तरह से इसकी सब टाइप्स हो गई है ये सारा। और अगर याद रखने का जो तरीका है जैसे, तो आप ये भी फॉर्म अपना सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ एम्ब्रियो से एक मोनोस्पोरिक, ये पॉलीगोनियम, ये ओइनोथेरा, और इसके फर्स्ट वर्ड अगर आप याद रखें जैसे एम को पी और ओ में करा, बी को ए, टेट्रास्पोरिक को ए पी 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 डी एफ प्लम्बेजेला, ऐसे याद रखेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। क्योंकि आपके ये भी ध्यान रखें, चाहे आप बी एस सी या एम एस सी का एग्ज़ाम दें, रिटर्न एग्ज़ाम भी है जिसमें आपको कम से कम 15 मिनट भी लिखना पड़ता है बड़े क्वेश्चन में, तो अगर ये शब्द शुरू के याद रहे तो आपको क्रम से लिखना और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से प्रक्रिया आप टाइप ऑफ वोवेल में भी फर्स्ट वर्ड को याद रख के अपना सकते हैं, तो यह इस तरह से रिविज़न भी आसान है और याद भी आपको आसानी से होएगा। ये डायग्राम है जो कि बहुत मेन डायग्राम है जैसा कि हमने बताया था, इसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ वेरिएशन आएगा। जैसे इसमें ये डिजनरेट हो रही है तीन, इसमें इस साइड के डिजनरेट हो रहे हैं, इसके अंदर इधर का डिजनरेट हो रहा है, इसमें इधर का हो रहा है, एंड अलग अलग है। यहाँ पर देखें आप समझ लें पहले, यहाँ पर अगर पढ़ें तो यहाँ ये दो दो अलग पोल पे, ये चारों अलग अलग कॉर्नर्स पे गए, ये गए, फिर इससे ये डबल, ये आगे की स्टेज नहीं हुई, यानी कि दो दो चार दो छः दो आठ ने ये ऑर्गेनाइज किया है, इसमें ज़्यादा नहीं किया। यहाँ ये वाली स्टेज हो गई तो इन दो दो से ये चार चार बन गए, यानी टोटल 16 हो गए, 16 से ये ऑर्गेनाइज हुआ है पेप्रोमिया में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों। तो इस तरह से इसमें पेप्रोमिया में यहाँ भी 16 तो हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन में ये लोअर साइड में रहे हैं, इस तरह की फॉर्म में ये नहीं है। और इसमें लें तो यहाँ पर केवल चार इन्होंने ही लिया है, चार ने ही ऑर्गेनाइज किया है प्लम्बेजेला, यानी कि ये डिवीजन यहाँ आकर मिक्स रहा। तो इस तरह से इनमें वेरिएशन है, तो वेरिएशन को ही आपको ध्यान रखना है। आगे की क्लासेज में बच्चों जब आप जाएं तो ये बुक्स आपको देखनी रहेगी, भोजवानी भटनागर, द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, विकास पब्लिशिंग हाउस से निकलती है, सिंह पांडे जैन जो मेरठ से निकलती है, और एक काफ़ी पुरानी वेल इस्टेब्लिश बुक है गांगुली दत्ता, एससी गांगुली कॉलेज बॉटनी के नाम से, सेंट्रल बुक एजेंसी कोलकाता से निकलती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है बच्चों, तो आप बुक के नाम के साथ ही इनकी इमेजेस का भी ध्यान रखें, कई बार अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करेंगे तो बुक देखते ही आसानी है। तो इस तरह से भी रेफरेंस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, जैसे ये बुक केईसाऊ की है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, देन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म भोजवानी भटनागर की, विकास पब्लिशिंग है, एक पांडे चड्डा की बुक है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो ये विकास पब्लिशिंग है।
यह इस तरह से रस्तोई पब्लिकेशन की है ये बुक, और ये रमेश बुक डिपो की है, त्रिवेदी पीसी त्रिवेदी अभी वाइस चांसलर है जोधपुर बच्चों, तो उनकी बुक है। तो इस तरह से वेल इस्टेब्लिश बुक्स हैं, तो उनको आप पढ़ें जैसे ये, तो और ध्यान रखें तो उसमें आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आसानी रहेगी। इस तरह से ये है बच्चों, थैंक यू। ठीक है।